आशिमा, अगर हम इंडेक्स को देखें तो मुझे लगता है इंडेक्स के बाद थोड़ा साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेशन रहेगा। बाय एंड डिप्स की रणनीति रहेगी। 43,000 गोइंग एड इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक वो होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स कंसोलिडेट करेंगे और बायस पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली निफ्टी में जब तक 18,100 इंटैक्ट है तो आई थिंक 1 से 2 दिनों का कंसोलिडेशन रहेगा। अप्रोच हमारी स्टॉक स्पेसिफिक रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि मिड कैप्स में अभी भी एक्शन है, तो नजर वहीं पे रखनी चाहिए जहां स्टॉक स्पेसिफिक हमें मोमेंटम मिले। शिवांगी, ना अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे। आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक क्या है, बताइए। जी बिल्कुल, आपने काफी शानदार रूप से कहा कि स्टील सेक्टर जो है वो अभी काफी मोमेंटम में है और यहाँ पे काफी अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। सारे ही स्टील काउंटर्स जो है वो अच्छे जो है बढ़त दिखा रहा है, पर यहाँ पे मेरा पिक रहेगा JSW स्टील पे। ये अपने वीकली फ्रेम से निकल रहा है एक रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद, और हम देखे लास्ट 2 सालों से स्टॉक ने 90% जो है परफॉर्म किया है। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है स्टील सेक्टर में, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 800 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने को है 755 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा कैनरा बैंक पे। यहाँ पे नेगेशन देखने को मिला है पिछले 4 सालों का, तो यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो एक्सपेक्टेड है। इस लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बैठ रहा है। जो है इमीडिएटली अगर हम बात करें तो अपने एक 300 के लेवल्स को अच्छी तरह से सपास करके यहाँ पे होल्ड कर रहा है। 93% रोल ओवर देखने को मिला है पिछले सीरीज में, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 338 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 320 के स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पे। ये पिछले 6 सालों से हायर हाइज बनाते जा रहा है, एक एक्सीलेंट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, और वीकली जो है हम नेगेशन देखने को मिल रहा है इसमें और वॉल्यूम्स के साथ, तो ये अगले सीरीज में जो है जैसे हम स्टेप करें तो ये स्टॉक मेरा यहाँ मानना है कि सीजनैलिटी के तौर पे भी काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा। इस स्टॉक में भी हमने 93% रोल ओवर देखा है दिसंबर सीरीज में। काफी अच्छे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड पे, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी और 2700 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 2540 के स्टॉप लॉस के साथ।